हेलो एवरीवन हेलो 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 चलो भाई सारे के सारे क्लास टेंथ स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाएंगे ताकि ये वाले सेशन की कहानी को हम शुरू कर पाएं यस हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन चलो भाई जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे आ जाएंगे सेशन को ज्वाइन कर लेंगे ताकि अपन सेशन जो है शुरू कर पाएँ चलो सभी बच्चे आ गए क्या सभी बच्चे आ गए क्या जल्दी से मुझे आकर के बता देंगे कि आवाज़ आ रही है एकदम अच्छे से आपके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है जल्दी से बताओ तो विजिबल हूँ मैं ऑडिबल हूँ चलो बहुत बढ़िया विजिबल भी हूँ ऑडिबल भी हूँ ऑल गुड एंड ऑल क्लियर तो अब फटाफट से सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे सेशन को और ज्वाइन करने के बाद दूसरा काम तुमको पता है क्या होता है सेशन को शेयर करने का अपने सारे फ्रेंड्स अपने सारे क्लासमेट्स तक ये जानकारी पहुंचा दो ये मैसेज उन तक कन्वे कर दो कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर अब क्लास टेंथ केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो चुकी है ये जानकारी उनको जाकर के दे दो जल्दी से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सेशन को शेयर कर दो ठीक है चलो यस अगेन अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल आज गुड मॉर्निंग विश करने में काफ़ी uh, अच्छा लग रहा है मुझे चलो हाँ अटेंडेंस लगाना शुरू करो सभी बच्चे अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क करेंगे ठीक है चलो शुरू करें पढ़ाई शुरू करें बायोलॉजी में इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब मैं आपको केमिस्ट्री में थोड़ा कम ही पढ़ाऊँगी चिंता मत करना अपना ये जो सेशन है ना ये छोटा ही रहेगा शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा ठीक है चलो करें शुरू करें पढ़ाई शुरू करें आ जाओ तो सबसे पहले मैं आप लोगों का वार्म वेलकम कर लेती हूँ हेलो एवरीवन दिस इज़ विभूति खरे वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ़ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन आप सभी तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ़्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन और इस सेशन में हम क्या करेंगे टारगेट क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशन से हमने क्लास टेंथ केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया है एंड दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स तो अभी तक तो हम इस चैप्टर में एसिड्स एंड बेसिस की ही बात कर रहे हैं अभी तक हमने सॉल्ट्स को डिस्कस करना शुरू नहीं किया है आज भी इस सेशन में हम एसिड्स एंड बेसिस की ही बात करेंगे क्या बात करेंगे तो आज अपन एसिड्स एंड बेसिस के स्ट्रेंथ uh, की बात करेंगे जो हम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस तो हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि गिवन एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो एक वीक एसिड है हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो गिवन बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वो एक वीक वे वीक बेस है क्या बेसिस होता है किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक बोलने का क्या बेसिस होता है किसी भी बेस को वीक या स्ट्रॉन्ग बोलने का तो वो बेसिस आज अपन पता करेंगे बेसिकली आज अपन बात करेंगे हमारे एसिड्स एंड बेसिस के स्ट्रेंथ की कि हम कैसे बोल पाएंगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है हम कैसे बोल पाएंगे कि कोई बेस स्ट्रांग है या वीक है ये आज अपन पता करेंगे ठीक है तो यही है हमारे सेशन का टारगेट होपफुली आपको समझ में आया होगा टारगेट तो अब एक काम करते हैं ना अपने सेशन के इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ हम करते हैं अपने सेशन को शुरू देखो सबसे पहली चीज सर अरिनियस को सुबह सुबह याद कर लेते हैं अपन मतलब इतनी सुबह भी नहीं है पर ठीक है रोज़ के कंपैरिजन में तो सुबह ही है ना ठीक है तो सबसे पहले हम अपने एसिड्स की स्ट्रेंथ को देखते हैं डिसाइड करते हैं कि हम कब एक एसिड को स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कब एक एसिड को वीक बोल सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स के स्ट्रेंथ की ठीक है और इसके लिए हम सबसे पहले याद करते हैं सर अरहीनियस को सर अर्नियस ने एसिड्स के लिए क्या डेफिनेशन दी थी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आपको याद होना चाहिए सर अरहीनियस ने कहा था कि भाई वो कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जब वो पानी में जाएं तो पानी में जा कर के अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएं और जब वो अपने आयंस में टूटें जब वो अपने आयंस में डिसोसिएट हों तो हमें एच पॉजिटिव आयन्स मिल जाए तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे एसिड्स बोलेंगे भाई ऐसे तो दुनिया भर में जाने कितने कंपाउंड्स हैं जिनमें कि हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पानी में जाकर के अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में टूटते तो नहीं हैं टूटने के बाद एच पॉजिटिव आयन्स तो हमें नहीं देते हैं सिर्फ वही कंपाउंड जो पानी में जा करके के अपने आयन्स में टूटें और टूटने के बाद हम कोवेज पॉजिटिव आयन्स दें केवल उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एसिड्स बोलते हैं और ये बहुत ही सही डेफिनेशन थी एसिड्स के लिए जो अरिनियस ने दी थी ठीक है तो इस डेफिनेशन से हमको ये पता चल गया कि एक एसिड को डिफाइन कैसे करना है अरिनियस की ही डेफिनेशन से अरहिनियस की ही कृपा से हमें यह पता चल गया कि एक एसिड को हमें डिफाइन आखिर कैसे करना है कि एक एसिड को कैसे बोलेंगे कैसे डिफाइन करेंगे कि भैया एसिड एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि होते हैं हाइड्रोजन एटम्स और जब वो पानी में जाता है तो पानी में जाकर के वो अपने आयन्स में टूटेगा डिसोसिएट होगा जिसको अपन आयोनाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं और आयन्स में टूटने के बाद हमें क्या मिलेगा एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे है ना तो एसिड को एक एसिड को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं किसी को भी एसिड का मतलब समझा सकते हैं है ना मेरे पास दो एसिड्स हैं एक है HCl और एक है एसिटिक एसिड मतलब कि ठीक है किस को याद कर लिया एसिड्स के लिए उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो हमने याद कर ली एक एसिड को डिफाइन करना सीख लिया अब यहाँ पर हमने दो एसिड्स लिए हैं एक लिया है हमने एच और एक हमने लिया है एसिटिक एसिड सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है या दोनों में से वीक एसिड कौन सा है मुझे सपना तो नहीं आएगा मुझे पता करना पड़ेगा ना पर मैं पता कैसे करूँगी चलो इनको हम सबसे पहले पानी में डाल देते हैं तुमको तो मैंने पहले भी कहा था कि जिंदगी में जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए कि क्या करना है तो तुम क्या करा करो एसिड और पानी को मिला दिया करो मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा कुछ ना कुछ होगा तो कुछ ना कुछ पता भी चलेगा है ना तो हमारे पास दो एसिड्स हैं एक एच है और एक एसिटिक एसिड है हमें पता करना है कि दोनों में से स्ट्रांग कौन सा है वीक कौन सा है तो हम क्या करेंगे दोनों को उठा करके पानी में डाल देंगे अलग अलग है ना एक साथ नहीं अलग अलग तो सपोज यहां पर हमने लिया है एक बीकर बीकर कौन सा बीकर अरे वही बोरोसिल वाला बीकर और इसमें हमने डाल दिया है करीब 100 एम पानी 100 एम पानी सिमिलरली हम एक और बीकर लेंगे और उसमें भी हम डाल देंगे 100 एम पानी तो दो बीकर हमने लिए हैं और दोनों में हमने 100 एम पानी ले लिया है इसमें भी और इसमें भी अब ये वाले बीकर में हम डालेंगे एच सपोज हम इस वाले बीकर में जो पानी है 100 एम डाल तो रहे हैं हम उसमें एच लेकिन एच के सपोज हमने करीब 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं सौ मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 100 ml पानी में एच के हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे ही किया कि 100 ml पानी में हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं एसिटिक एसिड के देखो हम कर क्या रहे हैं दोनों ही एसिड को पानी में डाल रहे हैं अलग अलग करके लेकिन यहाँ पर अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 100 ml पानी में हमने एच डाला तो लेकिन कितना डाला तो उसके सौ मॉलिक्यूल्स डाल दिए यहां पर भी हमने सौ एम पानी में एसिटिक एसिड एसेट डाला लेकिन कितना डाला तो हंड्रेड मॉलिक्यूल्स डाल दिए हंड्रेड मॉलिक्यूल्स डाल दिए ठीक अब सबको पता है अरहीनियस ने सबको बता दिया है कि एसिड पानी में जाएगा तो वो अपने आयन्स में टूटेगा और जब कोई एसिड पानी में जा कर के या आप बोल सकते हो कि जब कोई एसिड अपने एक्वस सल्यूशन में जाता है तो हमें क्या मिलते हैं एच पॉजिटिव आयन्स मिलते हैं तो यहाँ पर जो हमने एच सी एल के सौ मॉलिक्यूल्स पानी में डाले हैं ये मॉलिक्यूल्स पानी में जा कर के टूटेंगे और टूटने से हमको क्या मिलेंगे एच पॉजिटिव आयंस मिलेंगे यहां पर भी ऐसे ही होगा कि जो हमने एसिटिक एसिड आसेट डाला है पानी में जो सौ मॉलिक्यूल्स हमने डाले हैं एसिटिक एसिड आसेट के पानी में जब पा, पानी में जाएंगे ना एसिटिक एसिड आसेट के सौ मॉलिक्यूल्स पानी में जाएंगे ना तो पानी में जाकर के वो अपने आयंस में टूटेंगे और हमें क्या मिलेंगे एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे अच्छा एक और चीज मेरी सुन लो एच का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें कितने एच पॉजिटिव आयंस मिलते हैं भाई एच का एक मॉलिक्यूल टूटा तो हमें मिले दो आयन्स कौन कौन से एक एच पॉजिटिव आयन मिला और एक क्लोराइड आयन मिला है ना एच का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें दो आयन्स मिलते हैं एक एच पॉजिटिव और एक क्लोराइड आयन इससे हमें मतलब नहीं है हमें मतलब है किससे एच पॉजिटिव आयन्स से तो यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली आप देख सकते हो कि जब एच का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमको केवल एक एच पॉजिटिव आयन मिलता है सिमिलरली जब एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें कौन कौन से आयन मिलते हैं एसीटेट आयन मिलता है सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव आयन और साथ में एच पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से हमें कुछ मतलब है नहीं हम तो बात करते हैं केवल किसकी एच पॉजिटिव आयन्स की तो यहाँ पर भी हमें यही समझ में आए कि भाई जब एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें केवल एक एच एक एच पॉजिटिव आयन मिलता है आप बोलोगे कि मैम ये जो एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है इसमें तो चार चार हाइड्रोजन एटम्स है मतलब चार चार आठ नहीं एसिटिक <laughs> एसिड के एक मॉलिक्यूल में चार हाइड्रोजन एटम्स हैं तीन ये प्लस एक ये चार लेकिन जब मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें केवल एक ही, ही एच पॉजिटिव आयन मिलता है मॉलिक्यूल में तो चार हाइड्रोजन एटम्स हैं लेकिन चार में से केवल एक ही हाइड्रोजन एटम आयन में कन्वर्ट होता है वैसे तो एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में चार हाइड्रोजन एटम्स हैं लेकिन चार में से केवल एक ही हाइड्रोजन एटम आयन में कन्वर्ट होता है बाकी तीन बोलते हैं कि आ, आ, हम नहीं होंगे ठीक है तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई एच का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमें एक एच पॉजिटिव आयन मिलेगा सिमिलरली जब एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो भी हमको केवल एक ही एच पॉजिटिव आयन मिलेगा ठीक है ये क्यों समझाया मैंने अभी आपको पता चलेगा चलो तो यहाँ पर हमने क्या करा है सौ एम पानी में हंड्रेड मॉलिक्यूल्स डाल दिए एच के और जाहिर सी बात है जब मॉलिक्यूल्स जाएंगे पानी में तो वो टूटेंगे आयंस फर्निश करेंगे हमें मतलब है किससे एच पॉजिटिव आयंस से, से. यहाँ पर भी यही हुआ कि हम जब हमने हंड्रेड एम वाटर में हंड्रेड मॉलिक्यूल्स डाले एसिटिक एसिड के तो ये मॉलिक्यूल्स जाएंगे अब और आप बोल सकते हो कि अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटेंगे और हमको क्या मिलेंगे यहाँ पर भी एच पॉजिटिव आयंस मिलेंगे अब इन दोनों को ही एच सी एल के एक्वस सल्यूशन को और एसिटिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन को मैंने करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था कि भाई टेक योर टाइम है ना एच सी एल के सौ मॉलिक्यूल से मैंने बोला कि टेक योर टाइम आराम से जाओ पानी में टूटो आयंस फर्निश करो एसिटिक एसिड को के भी हंड्रेड मॉलिक्यूल्स को मैंने कहा कि टेक योर टाइम आराम से तुम लोग पानी में जाओ टूटो लड़ो मरो है ना और एच पॉजिटिव आयंस हमको दो आधे घंटे के लिए दोनों ही एसिड्स के एक्वस सोल्यूशन को मैंने छोड़ दिया आधे घंटे बाद आकर के मैंने पता करने की कोशिश करी कि ये जो एच का एक्वस सोल्यूशन है आखिर इस एक्वस सोल्यूशन में कितने एच पॉजिटिव आयन्स बने मैं हर एक चीज का हिसाब ले रही हूँ कि पानी कितना लिया था बीकर में हंड्रेड एम एच डाला लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स डाले सौ मॉलिक्यूल्स डाले एच के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया आयन ये जो सौ मॉलिक्यूल्स है ना एच के उनको डिसोसिएट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता था तो मैंने आधे घंटे के लिए एक्वस सोल्यूशन को छोड़ दिया आधे घंटे बाद आकर के मैंने हिसाब लिया कि ये जो एच का एक्वस सल्यूशन है इसमें आखिर H पॉजिटिव आयंस कितने बने तो जब मुझे जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि भाई यहां पर एच पॉजिटिव आय बने हैं हंड्रेड यहां पर HCL के में पॉजिटिव कितने बने 100 बने सीधा सीधा हिसाब निकला मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि एच का जब एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें एक एच पॉजिटिव आयन मिलता है मैंने ये वाले बीकर में एच सी एल के हंड्रेड मॉलिक्यूल लिए थे भाई देखो सीधी सी बात है ना सीधी सी गणित है एक मॉलिक्यूल टूटेगा एच सी एल का तो मिलेंगे मिलेंगे क्या मिलेगा एक एच पॉजिटिव आयन एक मॉलिक्यूल एच सी एल का टूटेगा तो हमें मिलेगा केवल एक ही एच पॉजिटिव आयन जब सौ मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो कितने एच पॉजिटिव आयन बनेंगे हंड्रेड एच पॉजिटिव आयन्स बनेंगे तो सीधी सी मैथ्स है सीधा सा गणित है यहां पर वही फॉलो हुआ कि एक मॉलिक्यूल टूटा एच का तो मिल गया एक एच पॉजिटिव आयन हमने तो सौ मॉलिक्यूल डाले थे एच के पानी में तो हमें कितने मिल गए एच पॉजिटिव आयन्स हंड्रेड मिल गए बहुत बढ़िया फिर मैंने यहां पर पता किया कि यहाँ पर क्या हाल चाल है जरा देखते हैं जब मैंने एसिटिक एसिड आस्ट के एक्वस सोल्यूशन में पता करने की कोशिश करी कि यहाँ पर कितने एच पॉजिटिव आयन्स बने हैं तो यहाँ पर मुझे पता चला कि भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ही गई गुजरी सिचुएशन है क्यों यहाँ पर तो केवल 20 एच पॉजिटिव आयन्स बने हैं ये कैसे हो गया भाई यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें मिलता है एक एच पॉजिटिव आयन मैंने तो यहाँ 100 एम पानी में 100 मॉलिक्यूल डाले थे एसिटिक एसिड के लेकिन फिर भी एच पॉजिटिव आयन्स कितने बने केवल 20 बने एक मॉलिक्यूल टूटता है एसिटिक एसिड का तो मिलता है एक एच पॉजिटिव आयन हमें मिले हैं 20 एच पॉजिटिव आयन्स हमें मिले हैं केवल 20 एच पॉजिटिव आयन्स तो वो 20 एच पॉजिटिव आयन्स कहाँ से आए होंगे तो बेटा 100 में से जब 80 सॉरी जब 100 में से 20 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के टूटे होंगे तो उनके टूटने से उन 20 मॉलिक्यूल्स के टूटने से 20 एच पॉजिटिव आयन्स हमें मिल गए बीस मॉलिक्यूल्स के टूटने से हमें बीस एच पॉजिटिव आयंस मिल गए तो जो हमने हंड्रेड मॉलिक्यूल्स डाले थे एसिटिक एसिड के हंड्रेड में से ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स का हिसाब किताब तो हमें समझ में आ गया कि हाँ हंड्रेड डाले थे हंड्रेड में से ट्वेंटी मोलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स टूट गए डिसोसिएट हो गए और हमको वहाँ से क्या मिल गए ट्वेंटी एच पॉजिटिव आयन्स मिल गए लेकिन भाई साहब बचे हुए एट्टी मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ उनने क्या करा आधे घंटे के लिए मैंने दोनों को छोड़ा हुआ था इस केस में तो एच सी एल के हंड्रेड के हंड्रेड मॉलिक्यूल्स टूट गए आयंस में और हमको हंड्रेड एच पॉजिटिव आयंस मिल गए लेकिन इसको भी तो आधे घंटे के लिए छोड़ा था सौ में से केवल बीस मॉलिक्यूल्स टूटे जिससे कि हमें बीस एच पॉजिटिव आयंस मिले बाकी के एट्टी मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ वो नहीं टूटे क्या मैंने पूछा एसिटिक एसिड आसेट के एक्वस सोल्यूशन से क्यों भाई तुमको भी तो आधे घंटे के लिए छोड़ा था कहो तो आधे घंटे के लिए और छोड़ दें कहो तो एक दिन के लिए छोड़ दें कम से कम सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ो तो, तो पानी में तो ये बोलेगा आई एम रियली सॉरी मैं अपने सारे मोलिक्यूल्स को पानी में नहीं तोड़ सकता तो हमने पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों तो कहता है मैं वीक हूं ना मैं वीक हूं मैं कमजोर हूं लेकिन हूं तो मैं एसिड माना कि मैं कमजोर हूं लेकिन हूँ तो मैं एसिड तो मैं पानी में जाऊँगा और मेरे थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स पानी में जाकर के टूट भी जाएंगे डिसअसोसिएट भी हो जाएंगे और डिसोस हो डिसोसिएट होने के बाद एच पॉजिटिव आयन्स भी फर्निश करेंगे लेकिन क्योंकि मैं वीक भी तो हूँ तो मैं अपने सारे मॉलिक्यूल्स को पानी में नहीं तोड़ सकता एसिड हूँ इसलिए पानी में जाऊँगा कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने तोड़ दूंगा एच पॉजिटिव आयन्स निकाल दूंगा लेकिन क्योंकि मैं एक वीक एसिड हूँ इसलिए मैं अपने सारे मॉलिक्यूल्स को पानी में नहीं तोड़ पाऊंगा आई एम सॉरी इसका मतलब क्या कि जो वीक एसिड होता है वो डेफिनेटली पानी में जाकर के अपने आयन्स में टूटता है लेकिन क्योंकि एसिड कैसा है वीक है तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पानी में जाकर के टूटते नहीं हैं और अगर टूटते नहीं हैं तो हमें ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन्स भी नहीं मिलते हैं। भर दिमाग लगाओ ना अगर सौ के सौ मॉलिक्यूल्स टूट जाते तो हमें हंड्रेड एच पॉजिटिव आयन्स मिलते ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन्स मिलते लेकिन क्योंकि एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है इसलिए पानी में तो ये गया और सौ में से कुछ मॉलिक्यूल्स ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स इसके टूटे और ट्वेंटी एच पॉजिटिव आयन्स हमें मिल गए लेकिन बाकी के जो एट्टी मॉलिक्यूल्स थे वो तो टूटे ही नहीं टूटे ही नहीं तो यहां से हमें समझ में आया कि ओहो वीक एसिड तो वो होता है जो पानी में जाए और जा करके अपने थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स को तोड़ दे मतलब एक वीक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो पानी में जाए और उसके थोड़े बहुत आयन्स ही थोड़े बहुत आयन्स नहीं एक वीक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो पानी में तो जाए लेकिन पानी में जा करके के उसके थोड़े बहुत ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हों आयन्स में टूटें बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते ही नहीं हैं क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटे हैं सारे मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन नहीं हुआ तो एच पॉजिटिव आयन्स भी हमको ऐसे एसिड के एक्व सोल्यूशन में कम ही मिलेंगे तो यहां पर मैं लिख भी देती हूं आ जाओ कि वीक एसिड में वीक एसिड के हम कौन कौन से पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं कि वीक एसिड जब अपने एक्वस सल्यूशन में जाता है या बोल सकते हो कि वीक एसिड जब पानी में जाकर के मिक्स होता है पानी में जाकर के मिक्स होता है तो सम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं थोड़े बहुत मॉलिक्यूल सम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें आयन्स में मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते हैं नहीं होते हैं इसलिए वीक एसिड के एक्व सोल्यूशन में हमें एच पॉजिटिव आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम, कम ही मिलता है कम ही मिलता है कम ही मिलता है जाहिर सी बात है ना सारे मॉलिक्यूल्स टूट ही नहीं रहे आयन्स में तो एच पॉजिटिव आयन्स भी कम ही बनेंगे कम बनेंगे मतलब क्या वीक एसिड के एक्व सोल्यूशन में हमें एच पॉजिटिव का काट्रेशन कम ही देखने को मिलता है वहीं अगर हम बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड जब पानी में जाता है तो ऑल मॉलिक्यूल सारे के सारे मॉलिक्यूल ए टू जेड टूट जाते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड के एक्वा सोल्यूशन में हमें एच पॉजिटिव का काट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है जो पानी में जाकर के एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है कि जब वो पानी में जाएगा तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिससोसिएट हो जाएंगे और हमें उस एसिड के एक्वस सल्यूशन में ढेर सारे एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बेटा एक ऐसा एसिड कि जब वो पानी में जाए तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाए और एसिड के एक्वस सल्यूशन में कुल मिला के हमको ढेर सारे एच पॉजिटिव आयन्स मिल जाएँ वहीं एक वीक एसिड क्या होता है एक ऐसा एसिड कि जो पानी में जाए लेकिन उसके सारे मॉलिक्यूल्स ना टूट पाएँ तो वैसे एसिड के एक्वस सोल्यूशन में हमें एच पॉजिटिव का आयसट्रेशन भी कम देखने को मिलेगा ठीक है एक और चीज जैसा कि कि हमने देखा एसिड पानी में जाता है और उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं आय में तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के एक्वस सोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के क्व सोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा तो आप बोलोगे कि मैम सिर्फ और सिर्फ आयंस देखने को मिलेंगे हमको सिर्फ और सिर्फ आयंस देखने को मिलेंगे क्यों क्यों अरे बोल तो रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाकर के उसके मॉलिक्यूल्स सारे के सारे टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जब पानी में जाता है तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं आयंस में स्ट्रॉन्ग एसिड के एक्व सोल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे आयन्स मिलेंगे एच पॉजिटिव आयन्स तो मिलेंगे ही साथ ही साथ जो भी नेगेटिव आयन्स हैं वो भी मिलेंगे है ना लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा वीक एसिड के एक्व सोल्यूशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वीक एसिड के एक्व सोल्यूशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा स्ट्रोंग एसिड कि तो सारे मॉलिक्यूल्स पानी में जाकर के टूट जाएंगे तो एक्वस सोल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आयंस मिलेंगे लेकिन वीक एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटते ना पानी में जाकर के तो वीक एसिड के एक्वस सोल्यूशन में आपको क्या क्या नजर आएगा आयंस तो मिलेंगे ही आयंस तो मिलेंगे ही क्योंकि माना कि एसिड कैसा है वीक है तो थोड़े बहुत तो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे ना पानी में जा के तो जब थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो आयंस तो मिलेंगे ही लेकिन उसके अलावा आपको एसिड के मॉलिक्यूल्स भी नजर आएंगे उसके एक्वस सोल्यूशन में भाई देखो हमने 100 एम पानी में एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे 100 मॉलिक्यूल्स में से 20 मॉलिक्यूल्स टूट गए 20 मॉलिक्यूल्स टूट गए तो 20 मॉलिक्यूल्स के टूटने से आपको 20 H पॉजिटिव आयंस मिले और 20 एसिटेट आयंस मिले भाई 100 में से 20 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के टूट गए तो उससे हमें 20 H पॉजिटिव आयंस मिले और 20 एसिटेट आयंस मिले लेकिन जो बचे हुए 80 मॉलिक्यूल्स हैं अरे वो तो नहीं टूटे ना तो वो तो पानी में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो यहाँ पर आपको 80 मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे तो यही तो मेरा सवाल था कि एक वीक एसिड के एक्वा आपको तो आयंस भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे क्यों जब सारे मॉलिक्यूल्स टूटे ही नहीं तो मॉलिक्यूल्स तो मिलेंगे ना सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड के एक्वस सल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आयंस देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि आपने स्ट्रोंग एसिड पानी में डाला है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स जाकर के आयन्स में टूट जाएंगे तो स्ट्रोंग एसिड के एक्वस सल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आयन्स देखने को मिलेंगे वहीं अगर हम बात करेंगे एक वीक एसिड की तो वीक एसिड के एक्वस सोल्यूशन में आपको आयन्स भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे एसिड के क्यों क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स टूटे ही नहीं जो टूटे उनसे हमें आयन्स मिल गए और जो मॉलिक्यूल्स नहीं टूटे वो वहीं के वहीं पड़े हुए एक्वस सोल्यूशन में तो वीक एसिड के एक्वस सोल्यूशन में आपको आयंस भी मिलेंगे और एसिड के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे ठीक है यहां तक की कहानी समझ में आई यहां तक की कहानी समझ में आई क्लियर हुआ हाँ जी क्लियर हुआ यस और नो चलो बहुत बढ़िया अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे कहा एसिड के ऊपर बात करेंगे मतलब इतने भी आगे नहीं बढ़ेंगे कि बेस पर आ जाए अभी हम एसिड के ऊपर ही बात करेंगे कैसे अब यहां देखो एच के एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं केवल एक और इसीलिए जब एच का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमको केवल एक ही एच पॉजिटिव आयन मिलता है।, भाई देखो सीधी सीधी बात है ना कि एच सी HCl के एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही हाइड्रोजन आइटम होता है तो वही आइटम एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है जब ये एच टूटता है पानी में जा करके है ना तो एक हाइड्रोजन आटम है तो हमको एक ही एच पॉजिटिव आयन मिलेगा एच के एक मॉलिक्यूल से वहीं अगर हम बात करेंगे एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल की तो इसके एक मॉलिक्यूल में तो चार चार हाइड्रोजन के एटम्स एक यहां चार हाइड्रोजन हैं एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में लेकिन फिर भी एक मॉलिक्यूल से हमको केवल एक ही एच पॉजिटिव आयन मिलता है मतलब कि चार हाइड्रोजन एटम्स जो अंदर प्रेजेंट है ना एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में तो चार में से केवल एक ही हाइड्रोजन आइटम ऐसा होता है जो अपने आप को आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकलता है बाकी तीन बोलते हैं कि हमें मतलब नहीं है हम तो नहीं हम तो जहां वहीं रहेंगे हम कार्बन से चिपके हुए हैं कार्बन से ही चिपके रहेंगे हम बाहर निकलेंगे ही नहीं तो यार ये तो अच्छी बात नहीं है इसके पास तो मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है हाइड्रोजन का और वही ही एच पॉजिटिव आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाता है इसके मॉलिक्यूल के पास तो चार हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं लेकिन फिर भी चार में से केवल एक ही हाइड्रोजन का एटम आयन के फॉर्म में बाहर निकलता है जब यह मॉलिक्यूल टूटता है तब तो इसे हम क्या कहेंगे एक एसिड की बेसिसिटी ठीक है इसे हम क्या कहेंगे एसिड की बेसिसिटी एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या होता है एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या होता है द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं मैंने क्या बोला कि एक एसिड के मॉलिक्यूल में कितने ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आइन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं उस एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं जैसे कि एच में हमने देखा कि एक ही मतलब एच के एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही हाइड्रोजन आटम होता है तो जब वो मॉलिक्यूल टूटेगा वो एक ही हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट हो जाएगा एच पॉजिटिव आयन में तो इस केस में एच सी एल की बेसिसिटी क्या होगी एच सी एल की बेसिसिटी होगी वन बेसिसिटी का मतलब ही क्या होता है भाई कि एक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने ऐसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी हमने देखा कि भाई एच के एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही ऐसा हाइड्रोजन आइटम होता है जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए तो इसीलिए HCl की बेसिसिटी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी वन हो जाएगी क्या आप मुझे बता सकते हो कि एसिटिक एसिड acid की बेसिसिटी क्या है एसिटिक एसिड की क्या आप मुझे बेसिसिटी बता सकते हो याद रखना बेसिसिटी क्या होती है वो नंबर हाइड्रोजन एटम्स का वो नंबर हाइड्रोजन एटम्स का एसिड के एक मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल के टूटने पर क्या हो एच पॉजिटिव आय में कन्वर्ट हो जाए तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एसिटिक एसिड acid की बेसिसिटी क्या होगी एग्जैक्टली वन क्यू वन अच्छे पता है क्या करते हैं गिन लेते हैं कि एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे सारे के सारे जो है एच पॉजिटिव आय के फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो जैसे कि एसिडिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में चार हाइड्रोजन एटम्स हैं तो चार के चार एच पॉजिटिव आयन्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे इसलिए एसिटिक एसिड की बेसिसिटी हो जाती है चार अरे चार नहीं होगी एसिड की बेसिसिटी को पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक एसिड का मॉलिक्यूल पानी में जाएगा तो उस एक मॉलिक्यूल से कितने एच पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करने से कुछ नहीं होगा कहने को तो यहाँ पर तो एसिटिक एसिड के एक, एक मॉलिक्यूल में चार हाइड्रोजन एटम्स हैं लेकिन फिर भी बेसिसिटी वन है क्यों क्योंकि चार में से केवल एक ही हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है बाकी के तीन तो आयन में कन्वर्ट होते ही नहीं है तो इसीलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी वन ठीक है तो हमेशा ध्यान रखना कि, कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी अगर आपको निकालनी है तो हाइड्रोजन एटम्स को काउंट मत करना कि एसिड के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं वो मत काउंट करना तुम ये देखना कि एक मॉलिक्यूल जब एसिड का टूटेगा तो कितने एच पॉजिटिव आयन्स बनेंगे कितने एच पॉजिटिव आयन्स बनेंगे एक मॉलिक्यूल के टूटने पर जितने एच पॉजिटिव आयन्स बनेंगे एसिड के एक मॉलिक्यूल के टूटने पर वही क्या होगी उसकी बेसिसिटी होगी ठीक है एच टू फोर का एक मॉलिक्यूल है क्या आप मुझे बता सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड या एच टू फोर की बेसिस सिटी क्या होगी क्या आप मुझे बता सकते हो एसिड ये सल्फ्यूरिक एसिड एच टू फोर इस एसिड की बेसिस सिटी क्या होगी टू पक्का टू कैसे पता चला कैसे पता चला आपने बोला कि भाई जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी बेसिसिटी टू है पर कैसे पता चला कि टू है कैसे हाँ जी एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जब H2SO4 का एक मॉलिक्यूल पानी में जाएगा ना ये टूटेगा और उसके टूटने से क्या होगा हमें दो एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे दो एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे कहने का मतलब यह है कि एच टू फोर सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में ऐसे दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं एक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है कि एसिड के एक मॉलिक्यूल में ऐसे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आइन्स में कन्वर्ट हो जाए देखो ना सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी टू नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड क्या आप इसकी मुझे बेसिसिटी बता सकते हो हाँ जी ये क्या है नाइट्रिक एसिड क्या इस नाइट्रिक एसिड की आप बेसिसिटी मुझे बता सकते हो एग्जैक्टली वन क्यों क्योंकि नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही हाइड्रोजन एटम ऐसा है जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए इसीलिए इसकी बेसिसिटी होगी वन ठीक है ओके कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड क्या इसकी बेसिसिटी आप मुझे बता सकते हो कार्बोनिक एसिड की बेसिसिटी आप बता सकते हो कितनी होगी कार्बोनिक एसिड की टू पक्का टू कैसे पता चला कि भाई कार्बोनिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में ऐसे दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आइन्स में कन्वर्ट हो जाए इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी कितनी टू कितनी हो जाएगी टू ठीक है ना वही वाली बात है ना कि आपको एक मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन एटम्स काउंट नहीं करना है आपको एक मॉलिक्यूल में एसिड के एक मॉलिक्यूल में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर रहे हैं मतलब आपको एसिड के एक मॉलिक्यूल में वो हाइड्रोजन एटम्स का नंबर पता करना है जो एच पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो सके तो आप जो डेफिनेशन बोलोगे उसमें ये आयोनाइजेबल वर्ड आना जरूरी है अगर आप अपने डेफिनेशन में एसिड की बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए आप डेफिनेशन दे रहे हो और अगर आपकी डेफिनेशन में ये आयोनाइजेबल वर्ड नहीं है तो मतलब आपकी डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी क्यों फिर तो आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ एसिड के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर रहे हो जरूरी नहीं है कि अगर एक एसिड के मॉलिक्यूल में चार हाइड्रोजन एटम्स हैं तो चारों चारो के चारों एच पॉजिटिव आइन्स में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाएं एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है यही तो होता है कि मॉलिक्यूल में चार हाइड्रोजन एटम्स होते हैं लेकिन फिर भी चार में से केवल एक ही एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो आपको एक मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन एटम्स का नंबर नहीं देखना है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स का नंबर देखना है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स का मतलब वो है कि वो हाइड्रोजन एटम्स जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो जाए वो हाइड्रोजन एटम्स जो मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो जाए उन्हें हम बोलते हैं आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ठीक है जो आयन्स बना पाए भाई देखो ना नाम सुना ना आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स मतलब कि वो हाइड्रोजन एटम्स जो आयन्स में कन्वर्ट हो पाए तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दी एसिड वो क्या होती है उस एसिड की बेसिसिटी एच सी एल एच एन थ्री एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड होता है ये हाँ देखो एसिड में इसके एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं भाई ये फॉर्मिक एसिड है ये फॉर्मिक एसिड है इसके एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं लेकिन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम केवल एक ही होता है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम केवल एक ही होता है मतलब इन दोनों में से केवल एक ही हाइड्रोजन आइटम मॉलिक्यूल के टूटने पर एच पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा दूसरा नहीं निकलेगा दूसरा नहीं निकलेगा तो कहने को तो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं लेकिन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम एक ऐसा हाइड्रोजन एटम जो आयोनाइज हो पाए आयन में कन्वर्ट हो पाए केवल एक ही है फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल में इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी ठीक सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोनिक एसिड ये इनकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होती है दो होती है इसके बाद में H3PO4 ये भी एक एसिड ही होता है H3PO4 इसमें आप देख सकते हो कि 3 यू नो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और तीनों के तीनों आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स जो एक एसिड के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी तो वो हमारे एसिड्स जिनकी बेसिसिटी वन होती है उनको हम बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड्स इजी है ना हमारे वो एसिड्स जिनकी बेसिसिटी वन होती है उनको हम बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड एग्जाम्पल एच सी एल एच थ्री फॉर्मिक एसिड वो एसिड्स, जिनकी बेसिसिटी टू होती है उनको अपन बेसिक एसिड बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोनिक एसिड एग्जाम्पल वो एसिड जिसकी बेसिसिटी थ्री होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड एग्जाम्पल एच थ्री फोर तो मोनोबेसिक एसिड कौन जिनकी बेसिसिटी वन है डायबेसिक एसिड कौन जिनकी बेसिसिटी टू है ट्राई बेसिक एसिड कौन जिनकी बेसिसिटी थ्री है ठीक है चलो अब यहां तक हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं अन एसिड इज अ सब्सटेंस विच वेन डिजॉल्व इन द वॉटर गिव्स एच पॉजिटिव आय इन द सोल्यूशन

तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जाकर के आयन में टूट जाते हैं तो हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं कम्प्लीटली ये एक ऐसा एसिड जिसको पानी में डालने पर उसके सारे मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं उस एसिड को हम बोलते हैं क्या स्ट्रॉन्ग एसिड जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन्स हमें मिलेंगे एक्वा सोल्यूशन में

डिसोसिएशन को या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो लगा करके सिंगल एरो क्यों लगाया हुआ है है ये ये सिंगल एरो बता रहा है कि भैया जब आपने एसिड को पानी में डाला ना तो एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो गया मतलब कि एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल आपने पानी में डाले थे सारे के सारे मॉलिक्यूल जाकर के पानी में टूट गए तो इसीलिए एसिड कैसा है स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रोंग एसिड के एक्वस सोल्यूशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ आयनस ही देखने को मिलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स पानी में जाके टूटेंगे तो आपको पानी में मतलब कि एसिड के एक्वस सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आयन ही नजर आएंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सिंगल एरो लगाते हैं सिंगल एरो यही बताता है कि एसिड के एक्वस सोल्यूशन में अब सिर्फ क्या है आयन्स है कोई मॉलिक्यूल नहीं है कोई मॉलिक्यूल नहीं एसिड का नाइट्रिक एसिड पानी क्या बन जाएगा H पॉजिटिव आयन एंड नाइट्रेट आयंस H2SO4 प्लस पानी क्या बन जाएगा H पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट आयंस ऑन द अदर हैंड एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड कार्बोनिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जब इनको डिसॉल्व करते हैं हम आ, पानी में तो ऐसा नहीं है कि इनके एक भी मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा पानी में जाकर के कुछ मॉलिक्यूल्स पानी में जाकर के टूटते हैं लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पानी में जाकर के टूटेंगे नहीं मतलब कि जब इन एसिड्स को हम पानी में डालेंगे तो ये आयोनाइज तो लेकिन, होंगे लेकिन इनकम्प्लीटली आयोनाइज होंगे पार्शियली आयोनाइज होंगे पार्शियली आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स पानी में जाकर के नहीं टूटे हैं थोड़े बहुत टूटे बाकी मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे पड़े हुए हैं पानी में तो उसको हम क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन या पार्शियल आयोनाइजेशन या पार्शियल डिसोसिएशन तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली जाकर के डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में वहीं वीक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्शली जा करके डिसोसिएट होते हैं पानी में ठीक है और इसीलिए एच पॉजिटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलता है वीक एसिड के एक्वा सोल्यूशन में वो कम देखने को मिलता है सच एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स इनके डिसोसिएशन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो क्यों यहाँ देखो एसिटिक एसिड है पानी में डाला कुछ मॉलिक्यूल्स तो आयन्स में टूट गए एसिटेट आयन्स मिल गए एच पॉजिटिव आयन्स मिल गए लेकिन जो रिमेनिंग जो बाकी के कई सारे एसीटेट मतलब बाकी जो के जो कई सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटे ही नहीं तो ये यह जो यहाँ की तरफ जो एरो जा रहा है यहां की तरफ जो एरो जा रहा है वो क्या बता रहा है कि जब एसिटिक एसिड एसेट को पानी में डालेंगे तो आयंस बनेंगे और ये जो पीछे जाता हुआ एरो है ये क्या बता रहा है कि अभी भी एसिटिक एसिड एसेट के सोल्यूशन में आपको एसिटिक एसिड एसेट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्यों क्योंकि पार्शियल पार्शियलेशन हुआ है ना भाई एसिटिक एसिड एसेट क्या है वीक एसिड पानी में जाएगा थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे आयंस बन जाएंगे लेकिन जो बाकी मॉलिक्यूल्स है वो तो नहीं टूटे ना इनकम्प्लीट या पार्शियल आयोनाइेशन होता है पार्शियल डिसोसिएशन होता है एसिटिक एसिड का पानी में जाने पर इसलिए एसिटिक एसिड क्या है वीक एसिड है और इसीलिए थोड़े बहुत आय होंगे और वापस जाता हुआ एरो क्या बताएगा कि अभी भी क्या है एसिटिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन में एसिड के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं जो अभी टूटे नहीं और ना कभी टूटने वाले हैं डबल एरो चलो ये भी वही है फॉस्फोरिक एसिड पानी तीन एच पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे फॉस्फेट आयन मिल जाएगा फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मेट आयन मिल जाएगा एक एच पॉजिटिव आयन मिल जाएगा ठीक है चलो बेसिसिटी भी हो गई है आगे बात करते हैं ये वही मोनोबेसिक एसिड डायोबेसिक एसिड और ट्रायोबेसिक एसिड इसका एग्जाम्पल फॉस्फोरिक एसिड है इसका एग्जाम्पल एच है और कार्बोनिक uh, एसिड इसका एग्जाम्पल एच फॉर्मिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वही सब है चलो अब अपन बात करते हैं किसकी लास्ट बेसिस की अर्नियस ने एसिड्स को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन दी अरहीनियस ने बेसिस को भी डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन दी पर वही वाली बात है कि बेसिस की जो डेफिनेशन उन्होंने दी वो इतनी सही नहीं थी क्यों क्योंकि उस डेफिनेशन में सारे बेसिस शामिल नहीं हो पाए अरिनस ने बोला क्या था कि वो सारे कंपाउंड्स जो पानी में जाकर के टूटें और टूटने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन्स फर्निश करें उन्हें हम बोलते हैं बेसिस वो सारे कंपाउंड्स जो पानी में जाएं पानी में जाके डिज़ोल्व हो जाएं और डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस फर्निश करें उनको हम बोलते हैं बेसिस लेकिन बहुत सारे बेसिस ऐसे भी होते हैं बच्चों जो पानी में जाकर के नहीं घुलते हैं ना घुलते हैं ना पानी में जाकर के हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं लेकिन फिर भी होते तो वो बेस ही है ना इसका मतलब अरहीनियस की जो डेफिनेशन है वो सारे बेसिस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई तो हमने क्या करा अरहीनियस की डेफिनेशन में जो उन्होंने बेस को डिफाइन किया था ना उस बेस की जगह पे हमने वर्ड क्या लगा दिया अलकली अलकली क्या होते हैं अलकलीस क्या होते हैं वो बेसिस जो पानी में जाकर के डिजोल्व हो और डिजोल्व होने के बाद में हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करें उन बेसिस को हम क्या बोल देते हैं अलकलीस बाकी कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो पानी में जाकर घुलते नहीं है ना घुलेंगे ना हाइड्रोक्साइड आयन्स फर्निश करेंगे तो अभी हम उनकी बात तो वैसे भी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वो तो वैसे भी पानी में नहीं घुल रहे हैं जाकर के हाइड्रॉक्साइड आयन्स फर्निश नहीं कर रहे हैं तो जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो उनकी बात ही क्यों करें हम तो बात करेंगे अलकलीज की स्ट्रॉन्ग अलकली वीक अलकली सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सारे क्या होते हैं स्ट्रोंग अलकलीज होते हैं पानी में जाएंगे डिजोल्व होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन्स हाइड्रोक्साइड आयंस फर्निश करेंगे कैसे जैसे कि देखो ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल को यदि आप तोड़ोगे तो आपको दो आयंस मिलेंगे सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन तो जब आप 100 एम पानी में 100 मॉलिक्यूल्स डाल देते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो आपको 100 हाइड्रोक्साइड आयन्स मिलते हैं एक एन मॉलिक्यूल टूटता है तो हमको एक ओ नेगेटिव आयन मिलता है तो 100 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे एन के तो 100 ओ नेगेटिव आयन्स मिलेंगे ना तो जब आप 100 एम पानी में 100 मॉलिक्यूल्स डालते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो 100 हाइड्रोक्साइड आयन्स आपको देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि जिन हंड्रेड मॉलिक्यूल्स को आपने डाला है पानी में जिन हंड्रेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने डाला है पानी में सारे के सारे टूट गए हैं और इसीलिए आपको हंड्रेड हाइड्रोक्साइड आयन्स देखने को मिलेंगे एक्वा सल्यूशन में तो वही वाली बात है कि वो बेस जो पानी में जाकर के कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए पानी में जाकर के जो बेस उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रोंग बेस स्ट्रोंग बेस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक अलकली है लेकिन ये एक वीक अलकली है इसको आप पानी में डालोगे सपोज आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सौ मॉलिक्यूल्स पानी में डाले हैं तो सौ मॉलिक्यूल्स में से करीबन थर्टी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे डिसोसिएट हो जाएंगे डिसोसिएट हो जाएंगे लेकिन सिक्सटी मॉल या आप बोल सकते हो कि सेवेंटी मॉलिक्यूल्स सेवेंटी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होंगे पानी में आपने हंड्रेड मॉलिक्यूल्स डाले थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ये भी तो बेस है अलकली ही है ये लेकिन ये इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत टूट जाएंगे और हमें हाइड्रोक्साइड आयंस दे देंगे सोल्यूशन में लेकिन बाकी के जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे ही नहीं टूटेंगे ही नहीं यानी कि इनकम्प्लीट या पार्शियल आयोनाइजेशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पानी में इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसोसिएशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पानी में इसलिए ये क्या है एक वीक बेस है वीक बेस है जो कंप्लीटली जाकर के टूटे ही ना उसको आप वीक ही तो बोलोगे ना जो कंप्लीटली अपने आयन्स में जाकर के डिसोसिएट हो जाए वो स्ट्रांग है चाहे एसिड हो चाहे वीक हो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो और जो वीक है वो कंप्लीटली अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ ही नहीं पाएगा तो एक्वस सोल्यूशन में आयन्स भी मिलेंगे मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे वीक एसिड या फिर वीक बेस A base is इज substance which, वेन dissolved इन द water, gives hydroxide आयन्स इन द solution. जितना ज्यादा आपको हाइड्रोक्साइड आयन्स का कंसेंट्रेशन देखने को मिलेगा अमाउंट देखने को मिलेगा समझ जाना कि जो बेस आपने डाला है पानी में वो उतना ही स्ट्रांग बेस है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ही क्या होता है कंप्लीटली आयोनाइज होता है कंप्लीटली जाकर के अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आय प्रोड्यूस होंगे कहां बेस के एक्वा सोल्यूशन में बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली टूट जाते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें हाइड्रोक्साइड आयन में एज अ रिजल्ट दिस गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स इन द सोल्यूशन सच बेसिस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन दी अदर हैंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होते हैं बेसिस ही होते हैं पानी में ये भी डिजॉल्व होते हैं लेकिन ये पार्शली डिसअसोसिएट होते हैं पानी में जाकर के सारे के सारे मोलिक्यूल जो हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पानी में जाकर के नहीं टूटते हैं थोड़े बहुत टूट जाएंगे और जो टूटेंगे उनसे हमें थोड़ा बहुत जो है ना हाइड्रोक्साइड आयंस मिल जाएंगे बाकी के मॉलिक्यूल्स टूटते ही नहीं हैं

और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे क्योंकि सारे मोलिकूल्स टूटते नहीं है ना जो टूटते उससे हमें आयंस मिल जाते हैं जो नहीं टूटे वो मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं पड़े रहते हैं तो वीक एसिड और वीक बेस के एक्वस सोल्यूशन में आपको आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उनके डिसअसोसिएशन को हम डबल एरो से डिनोट करते हैं कि मैग्नीशियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी तो सपोज आपने पानी में सौ मॉलिक्यूल्स डाले हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के तो सौ में से चालीस टूट गए सौ में से चालीस मॉलिक्यूल्स टूट गए टूटे तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिल गए तो ये एक एरो बता रहा है कि एक्वस सोल्यूशन में क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयन है बाकी चालीस मॉलिक्यूल्स टूटे थे तो साठ मॉलिक्यूल्स अभी भी बचे हुए वो टूटे नहीं है तो जो वापस जाता हुआ एरो है ये क्या बता रहा है कि अभी भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं जो टूटे नहीं है वही सिक्सटी मॉलिक्यूल्स जो नहीं टूटे पार्शियल डिसोसिएशन ठीक है कुछ इस तरीके से फिर उसके बाद में नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आय जो बनते हैं जब बेस का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेस की एसिडिटी जब एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस टूटता है तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेस की एसिडिटी जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है क्यों? क्योंकि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो केवल एक ही हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा तो इसकी एसिडिटी हो जाती है वन मोनो एसिडिक बेस वहीं अगर हम बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ये भी एक अलकली है तो जब ये टूटेगा तो हमें दो हाइड्रोक्साइड आयन्स मिलेंगे तो इसकी एसिडिटी हो जाती है दो तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस टूटता है तो जितने हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं वो क्या हो जाती है उस बेस की एसिडिटी हो जाती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो केवल एक मॉलिक्यूल के टूटने से एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा इसका मतलब इसकी एसिडिटी हो जाएगी वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल पानी में जाएगा टूटेगा तो हमें दो हाइड्रोक्साइड आयंस मिल जाएंगे तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी कितनी टू ठीक है बस आज के इस सेशन के लिए इतना ही आज अपन ने एसिड्स एंड बेसिस के स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कशन कर लिया है बस इतना ही बताओ समझ में आ गया हाँ जी समझ में आ गया क्लियर हो गया बताओ तो कोई डाउट तो नहीं है अभी जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट तो नहीं है क्लियर सब क्लियर ऑल क्लियर चलो बहुत बढ़िया तो आज के इस सेशन को अपन यहीं फिनिश कर लेते हैं ठीक है चलो तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही अब अपन मिलते हैं अपने अगले सेशन में कल के सेशन में और कल के सेशन में हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही और जिसको समझ में नहीं आया है उसने पढ़ा ही नहीं है इसलिए समझ में नहीं आया तो जाके पढ़ो वरना फाइनल एग्जाम के टाइम पर दिक्कत होगी तो सेशन के लिए इतना ही सेशन को जो है अब अपन एंड करते हैं मिलते हैं अपने अगले सेशन में अगला सेशन कब होगा कल होगा कल होगा वही मॉर्निंग का टाइम सुबह वाला नौ बजे से सबसे पहले आपकी बायोलॉजी की क्लास फिर केमिस्ट्री की क्लास ठीक है तो मिलते हैं अपन अपने अगले सेशन में तब तक के लिए आप क्या करेंगे अरे मैग्नेट ब्रेन्स को देखते रहिए ठीक है लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करो चैनल को सेशन को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स अपने सारे क्लासमेट्स तक ये सेशन जो है पहुंचा पहुँचा दो तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय